रेलवे स्टेशन पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना रूम बुक करवा रखा है। माता के दरबार जाने से पहले एक पर्ची कटती है, तो उसके लिए लाइन पे खड़े हुए हैं वेटिंग के लिए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। ये लाइन वेटिंग के लिए है, जो आपको स्लिप मिलती है एक दरबार में जाने के लिए, तो सभी लोगों को स्लिप कटवानी पड़ती है। यहाँ रेलवे स्टेशन से ही मिल जाती है आपको स्लिप। गाइस ये स्लिप ऑनलाइन भी करती है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले ऑनलाइन ही कटवा लें। माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल साइट से पर्ची कटती है, तो आपको इस लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और उसकी फोटोकॉपी एक ज़रूर अपने साथ लाएं। ये कटरा का रेलवे स्टेशन, देखिए हमें टिकट मिल गई है। ये ऐसा कार्ड बनाना पड़ता है यात्रा से पहले, यहाँ से बनता है, इस तरह का आपको कार्ड मिलेगा। अब हम लोग रेडी होने जाएंगे गाइस। ट्रेन से आते हुए हमारी हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। हमने सेकेंड एसी करवाया था, ट्रेन तो अच्छी थी, बट फिर भी बच्चे के साथ जी के साथ बहुत परेशान करता है वो। उसके पैर में भी अभी प्रॉब्लम, थोड़ा सा चोट लगी है, तो वो रोने पे लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, हमें रूम रेडी हो गया हमारा नहीं हुआ, क्योंकि चेक इन जो है 11 बजे का होता है। गाइस ये IRCTC का रिसेप्शन है, यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं अपने रूम के लिए, क्योंकि 11 बजे का चेक इन होता है, तो लोग सब लोग अपने ट्रेन के हिसाब से, कोई जल्दी आया हुआ है, सब यहाँ पे वेटिंग पे बैठे हुए हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा सफाई है यहाँ पर। गाइस ये हमारा रूम, केटल फिश दे रखा है इन्होंने, बॉटल्स हैं कुछ में। गाइस ये बालकनी है। रिची हैप्पी नॉट हैप्पी? यहाँ से पूरे पहाड़ दिखते हैं। आजकल मौसम ठंडा है, तो लोग बाहर धूप में बैठे हुए हैं। गाइस ये यहाँ के रेस्टोरेंट का एरिया है। गाइस अब हम लोग रेडी होकर वैष्णो देवी माता के मंदिर के लिए निकल रहे हैं। गाइस ये है मंदिर का द्वार, और अब हम यहाँ से प्रवेश करेंगे। गाइस बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है, अद्भुत, बहुत सुंदर। गाइस चलिए अंदर चलते हैं, एक बार जयकारा लगाते हुए जोर से बोलो जय माता दी। वीडियो को लाइक जरूर करना, माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। गाइस यहां से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ तो मार्केट है, we'll be right back.
यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि हम लोग जन्नत में आ गए हैं। ये है रिची का डांस। ऐसे क्या था गाइस, यहाँ सीन कुछ ऐसा हो गया कि मम्मी की थोड़ा नीज की प्रॉब्लम है तो वो तो घोड़े पे जा रहे थे, बट मैंने सोचा था रिची भी उनके साथ चला जाएगा, लेकिन अब रिची के साथ मम्मा एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, वो बोले घोड़े पे इतने नहीं आ पाएंगे। देखो अब मुझे घोड़े पे जाना पड़ रहा है, मुझे रिची को लेके जाना है। मैं और रिची एक घोड़े पे जा रहे हैं, मम्मा एक घोड़े पे जा रहे हैं, हम दो घोड़ा कर रहे हैं आज एक्सपीरियंस करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम घोड़े पे जा रही हूँ, मैं इससे पहले दो बार यहाँ माता रानी के दर्शन करने आ रखी हूँ, बट मैं हमेशा पैदल जाती थी, लेकिन बच्चे की वजह से तो क्या कर सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ से घोड़े के लिए पर्ची कटती है। देखिए गाइस ये है हमारा घोड़ा ब्लैक कलर का। झुक के बैठना गाइस। अब बुजुर्गों के लिए पालकी और घोड़े की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर, तो बच्चों के लिए स्ट्रॉलर्स भी चलते हैं, तो इससे वजह से जो है यात्रा थोड़ी आसान हो गई है। गाइस घोड़े के ऊपर बैठ के थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मैं घोड़े के ऊपर बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ, तो भैया तो बोल रहे हैं कि कैमरा छोड़ दो अपने लिए क्योंकि आप लोगों के लिए शूट भी तो करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, अगर आप लोग माता रानी पे विश्वास करते हैं तो एक लाइक तो इस वीडियो को ज़रूर बनता है। बोलो पहाड़ों वाली माता की जय, शेर वाली माता की जय, सच्चे दरबार की जय। गाइस ये यहाँ के स्टूडियो हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडियो हैं यहाँ पर, लोग अपनी फोटोज खिंचाते हैं यहाँ पर। मुझे तो थोड़ा सा और नहीं। गाइस यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। गाइस देखिए यहाँ पे लोग फोटो खिंचवाते हैं। सभी जगह लाउड स्पीकर से जो गानों की आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा शॉप आपको मिल जाती हैं। गाइस यहाँ के लोगों के रोज़गार का यही साधन है खाने पीने की दुकान, प्रसाद की दुकान। और गाइस कटरा के आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर घोड़ा पालकी चलाने के लिए, बच्चों के स्ट्रॉलर चलाने के लिए आते हैं और इसी से वो अपने घर का गुजारा करते हैं। यहाँ पे घोड़े को पानी पिलाया जा रहा है। भैया हमारे घोड़े को भी पिलाना पानी है? अच्छा आपको पानी पीना है?
ये बोलता है क्या, कैसे बोलता है ये? देखो गाइस, अब हम अपने घोड़े को पानी पिला रहे हैं, तो हम लाइन पे उसका वेट कर रहे हैं। जब उसकी टर्न आएगी तो हम घोड़े को पानी पिलाएंगे। गाइस वो देखिए, ऊपर चोटी पे माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। टर्न, अब हमारा घोड़ा भी पिएगा पानी। गाइस पता नहीं पानी नहीं पी रहा है। गाइस घोड़े को शायद मन नहीं कर रहा पीने का पानी। अरे अरे इसे यहाँ से पीना है। ओ माय गॉड, ये हमारा स्टाइलिश घोड़ा, इसको यहाँ से पानी पीना है। अरे वाह, घोड़े का नाम है बसंती। चलो बसंती चलो। अरे हाथ क्यों लगा हुआ? लिट्टी हाथ टच कर ले, आगे से ले लो पूरा, भैया ले लेगा। इसके और स्पीड बुला लो प्यार से। गाइस हम लोगों का अचानक से ही प्लान बना। बोलते हैं ना, माता रानी का जब बुलावा आता है तभी दरबार में जाते हैं। गाइस ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं वहां से। अभी हम अर्धकुंवारी तक घोड़े में ही जाएंगे। इतना भी हो गया, ठंड लग गया। छोटा सा बेबी क्या चल रहा, वो देख डब्बे खराब है मेरे घोड़े में। तो जहाँ मैं होता हूँ वही वही तो ही दिखता है मुझे। मैं तो ये दिखता हूँ लेता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं इनमें से एक टॉय तो ले ली देता हूँ चुन के। बहुत सारे ड्राई फ्रूट की शॉप है यहाँ पर। यहाँ पे अखरोट बहुत यहाँ के फेमस हैं। लोग जो है भर भर की पूरी अखरोट की यहाँ से लेके जा रहे हैं। और मैं मंदिर जाऊंगा और मैं इस घोड़े को प्यार करना। और बताओ
गाइस अब हम काफी हाइट पर आ चुके हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है वेदर। वैसे आजकल ठंडी है। गाइस देखिए मौसम में पूरा कोहरा कोहरा हो गया है। हम काफी हाइट पर आ चुके हैं। गाइस मेरे हाथ में भी दर्द होना शुरू हो गया है क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से घोड़े को पकड़ा हुआ है, तो अब थोड़ा सा दर्द होने लग गया है हाथ में। लेकिन यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर हैं कि मुझे मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी कि मैं कैमरा ऑफ कर दूँ। Thank you.
अर्धकुंवारी तक पहुंच गए हैं और हमारा घोड़ा यहीं चल रहा था। गाइस बहुत सुंदर वेदर हो रखा है, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ से अर्धकुंवारी के लिए स्लिप कर दिया, क्या मिल गया आपको पर्ची? रिची, सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। रिची हेलो, रिची को हमने पूरी फुल जैकेट बना दिया क्योंकि उसे थोड़ा कोल्ड और कफ था, है उसे अभी भी। चलो अब चलेंगे। ये है भगवान, ऑटो के लिए लाइन लगी है। बैटरी वाले रिक्शे जाते हैं अर्धकुंवारी से माता के मंदिर, तो हम लोग आज ऑटो से जाएंगे। पैदल का ही एक्सपीरियंस क्या है, तो हमने सोचा इस बार घोड़ा और घोड़े का और बैटरी वाले रिक्शे का जो भी यहाँ अवेलेबल होता है तो उससे जाएंगे, क्योंकि मम्मा की और रिक्शे की थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इनके बहाने में हम लोगों को भी मिल गया है, हम लोग भी जाएंगे आज ऑटो से। एक्चुअली में बैटरी वाला होता है, तो आपको दिखाएंगे कि बैटरी वाले रिक्शे कैसे किस टाइप से यहाँ पे चलते हैं। इतनी लंबी लाइन लगी है इसके लिए, जिन्होंने ऑनलाइन भी बुकिंग होती है और जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी है वो लोग लाइन में हैं। देखिए सब लोग लाइन पर लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कब ये डोर ओपन होगा और ये कब लोग को टिकट देंगे। ये देखिए ये होती हैं बैटरी वाली कार्स, इन्हीं से हम लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएंगे।
गाइस अब हम लोग बैठ गए हैं बैटरी वाली रिक्शे में और हमारा फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है यहाँ से माता के दरबार में जाने का। गाइस अब हम पहुँच गए हैं मंदिर और मंदिर का बहुत सुंदर नज़ारा। चलो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर ये नज़ारा है रात का, पूरी लाइटें ही लाइटें यहाँ से चमक रही हैं और हम पहाड़ों के पूरा ऊपर आ गए हैं। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, उसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, माइक में आवाज़ छोटी उसकी आ रही है हवा चलने की, देख ही सकते हैं। देखिए गाइस आप देख ही सकते हैं कि बहुत तेज हवा चल रही है। जय माता दी, मेरे को मोबाइल पकड़ना पड़ेगा, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे लाइन दर्शन के लिए लाइन लगेगी। गाइस अंदर कैमरा और मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, तो मुझे अपना फ़ोन जो है यहीं लॉकर में जमा करवाना पड़ेगा। गाइस अब हमने दर्शन कर लिए हैं माता रानी के, अब हम भैरव मंदिर जा रहे हैं और रिची को हमने स्ट्रोलर करवाया है क्योंकि वहाँ की चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो इस वजह से हमने इसे स्ट्रोलर करवाया है। देखिए गाइस हम लोग भी अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और तो चलने का मन भी नहीं कर रहा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।